हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा तो गाइज वी आर हेयर विद अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स दिस इज़ पार्ट ट्वेंटी एट बच्चे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर पिछले पार्ट्स देखने हैं क्या तो बेटा अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो आप आई बी पी एस ए एफ ओ का एग्जाम दे रहे हो आपने अगले साल नबार्ड के एग्जाम देना है तो पार्ट्स आपके लिए सारे इम्पॉर्टेंट हैं अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल नबार्ड दो हजार तेईस अब अगले साल होगा जून जुलाई में कहीं जा करके <coughs> तो उसको मैं खुद बता देता हूँ कि हाँ ये इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो टेंशन ना लो लेकिन लेक्चर सारे देख लो और कोई बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है अगर आप पाइल अप करते रहोगे कि जब पचास हो जाएंगे फिर तो जाहिर सी बातें वो ज्यादा होंगे दो तीन दिन में एक लेक्चर डलता है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का अगर साथ के साथ देखते रहोगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं एंड फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट चल रहा है जो नॉन वीडियो एम सी क्यू कोर्स है ये एम सी क्यू कोर्स बहुत ही यूजफुल रहेगा जो भी एग्रीकल्चर की पेपर की तैयारी कर रहे हैं चाहे ना नवार्ड है चाहे ए बी पी एस सी एफ किसी भी तरह का एग्जाम है क्विज फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं और फिर उनके डिटेल्ड आंसर्स आपको मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया एक ऑपरचुनिटी रहती है क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन आ जाओ पहला क्वेश्चन क्या कहता है नवंबर 2022 का क्वेश्चन है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर लिवरेजिंग एग्रीकल्चर ऑटोमेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम तो ये रिपोर्ट का नाम है और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है ऑप्शन वन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किसने ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज़ किया ये आपसे सवाल पूछा गया है एंड द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी वैसे तो आइडिया लगा सकते हो ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत गेस वर्क चल जाता है ठीक है ज़्यादातर बच्चे इसमें गेस वर्क करेंगे आपका ऑप्शन फोर जो है एफ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ठीक है रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सवाल नहीं पूछता वो सेकंड क्वेश्चन आ जाओ जी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम जो है ये स्टार्ट की है जिससे शीप फार्मिंग सेक्टर को उस स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर एनकरेज किया जा सके ठीक है जी इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम तो ये कौन सी स्टेट के अंदर है इसमें आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है दोस्तों सो जे एंड के के अंदर इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम को शुरू किया जाएगा ठीक है पहले आंसर वाली स्लाइड आ गई तो कोई बात नहीं पर आप लर्न कर लो कि जे एंड के अंदर ये बेसिकली स्कीम आएगी ओके एंड बेसिकली इसमें मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा शीप फार्मिंग सेक्टर का एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज एनकरेज किए जाएंगे ताकि ट्वेल्व लाख फैमिलीज जो हैं उनका लाइवलीहुड जो फार्मिंग सेक्टर के ऊपर जो लाइवलीहुड डिपेंडेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फैक्चुअल से क्वेश्चन चल रहे हैं और ये फैक्चुअल जो हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन था था या दूसरा था, ये डेफिनेटली 2023 के लिए अगर आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि तब तक ये करंट अफेयर्स काफी पुराने हो जाएंगे और इस टाइप के पुराने एमसीक्यूज नहीं पूछता है वो देखो जनरली मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर के लिए एक साल का आपको करंट अफेयर करना है नबार्ड के लिए भी लेकिन एक साल में क्या क्या करना है वो पता होना चाहिए अब जैसे पहले दो क्वेश्चन ये देखे आपने बार ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए यूजफुल नहीं है बट हांबीपीएस ट्वेंटी थ्री के लिए काफी यूजफुल है विद स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूवीज टू पॉइंट सिक्स जीरो करोड़ बजट फॉर कैमल कंजर्वेशन स्कीम कैमल कंजर्वेशन स्कीम के लिए कौन सी स्टेट ने 2.60 करोड़ का बजट जो है वो लॉन्च किया अगेन ये ऐसा एक क्वेश्चन है जहां पर कहीं ना कहीं आप गेस वर्क कर सकते हो राजस्थान क्योंकि डेजर्ट एरिया ज्यादा राजस्थान के अंदर है कैमल पॉपुलेशन भी मैक्सिमम इंडिया की राजस्थान में ही है तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान ने कैमल कंजर्वेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की होगी गेस वर्क चल जाता है इसके अंदर फिर भी ठीक है अगेन आईबीपीएसओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक है जी फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी कंपनी uh, ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू यहां पर आप इंश्योरेंस कराओगे सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू जो है वो कंपनी चेक करेगी कि आपका जो येल्ड एवरेज येल्ड होना चाहिए था उससे कम है तो आपको बेसिकली वहां पर एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाएगा तो यहां पर जो कंपनी है दोस्तों दैट इज एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ओनली एफ ओ एंड अपकमिंग जो दो तीन महीने के अंदर अगर किसी का स्टेट एडीओ का एग्जाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम है या किसी और डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली यूजफुल है फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ जी रेलवे स्टेशन जिसको फोर स्टार रेटिंग मिली है फॉर ईट राइट स्टेशन बाय एफ एस एस ए आई फोर स्टार रेटिंग फॉर ईट राइट स्टेशन कौन से स्टेशन को ये यहाँ पर फोर स्टार रेटिंग मिली है एंड राइट आंसर इन दिस केस विल बी आपके पास पांच मुंबई छत्रपति शिवाजी भोपाल चंडीगढ़ वडोदरा तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहां पर भोपाल रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को पहले मिल चुकी है अब यहां पर आपका भोपाल रेलवे स्टेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी अभी रिसेंटली नवंबर महीने के अंदर एक नवंबर से पांच नवंबर में हमने इंडिया वाटर वीक सेलिब्रेट किया था ये इसका सेवेंथ एडिशन था ये भी याद रख लेना ठीक है तो इसकी थीम क्या थी आपके पास यहाँ पर पांच ऑप्शंस हैं थीम के ओके सो तो इसमें से आपको बताना है कि इस बार की थीम क्या थी बहुत मिलती जुलती थीम्स वो ज्यादातर प्रोवाइड करता है और वर्क नहीं चलता जनरली थीम्स के अंदर वर्क नहीं चलता है या तो आपको आती है या नहीं आती है वाला जो है वो थीम्स के अंदर आपका जनरली सेट होता है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी तो वाटर सिक्योरिटी का एक एलिमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एलिमेंट है इक्विटी का एक एलिमेंट है थीम को जनरली ऐसे एलिमेंट्स में बांट के याद करोगे तो थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाता है याद करना जब बड़ी थीम्स होती हैं वाटर सिक्योरिटी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस इक्विटी इस तरीके से याद कर सकते हो ओके okay, ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है वो बेसिकली आपका इंडिया वाटर वीक ऑर्गेनाइज करता है वो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इंडिया वाटर वीक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है ठीक है तो याद रहेगा रहना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज यहाँ पर आंसर में रहेगा सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वर्ल्ड वेगन डे 2022 ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेगन डे तो इस साल किस दिन सेलिब्रेट किया गया था दोस्तों ये दिस वाज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ई फर्स्ट नवंबर बेसिकली ये वेजिटेरियन फूड को एनकरेज करने के लिए और वेजिटेरियनिज्म के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको बेसिकली ये डे जो है वो एनकरेज करता है आपका वर्ल्ड वेगन डे वर्ल्ड वेगन डे का फर्स्ट नवंबर डेट था और बेसिकली uh, 1994 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है ये इतना सब नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कोई पूछता नहीं है एंड हर साल हर नवंबर uh, के महीने को वर्ल्ड वेगन मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है एक नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे और पूरा जो नवंबर का महीना होता है उसको क्या बोलते हैं वर्ल्ड वेगन मंथ ये याद रख लेना एट क्वेश्चन आ जाओ कि एफ ए का इजी क्वेश्चन है? है एक स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन इजी है ठीक है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपकमिंग uh, एग्जाम्स की तो आपको पता होना चाहिए एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी रोम इटली के अंदर है प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल का नाम भी याद होना चाहिए क्यू डोंग एंड नाइनटीन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई थी नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कौन से ब्रांड को रिसेंटली दुनिया का नंबर वन बासमती राइस ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला है रिसेंटली नंबर वन बासमती राइस इंडिया गेट श्री लाल महल फॉर्च्यून टाटा संपन्न या लाल किला ये सब ब्रांड्स हैं जो बासमती राइस के आ, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं तो सबसे पहला मतलब कि नंबर वन किसको मिला है एंड द आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया गेट इंडिया गेट का जो बासमती राइस है उसको नंबर वन का जो ब्रांड है वो मिला है एंड ये बेसिकली केआरबीएल का ब्रांड है जो आपका इंडिया गेट है ओके कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस तंदूर रेड ग्राम इसको रिसेंटली अभी जीआई टैग मिला है, तो ये जो तंदूर रेड ग्राम है ये कौन सी स्टेट से है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश बी तेलंगाना सी मध्य प्रदेश डी यूपी एंड ई नन ऑफ दी अबव e, तंदूर रेड ग्राम तो तंदूर रेड ग्राम के साथ टोटल नाइन आइटम्स को रिसेंटली जी आई टैग अनाउंस हुआ था ठीक है अभी आ, आ, जो आपका ये वीडियो अपलोड हो रहा है इससे तीन चार दिन पहले की ही बात है तो नौ आइटम्स को जी आई टैग अनाउंस हुआ था अभी एक आइटम तो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया बाकी की आठ को भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दैट इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन ओके तो वो वाला लेक्चर जो आप देखोगे उसमें जी आई टैग वाले क्वेश्चन होंगे जो और जी आई टैग अनाउंस हुए हैं इसके साथ आठ ठीक है तो तंदूर रेड ग्राम जो है बेटा ये तेलंगाना से है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी तेलंगाना तंदूर रेड ग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो तंदूर रेड ग्राम या जिसको आप तुर दाल भी कहते हो यहाँ पर एक खास बात यह है कि जो यहाँ पर जो फार्मर्स बॉडी है जिन्होंने अप्लाई वगैरह किया था तंदूर रेड ग्राम के लिए उस जी टैग के लिए वो उन्होंने जी टैग मिलने के बाद ये कमिटमेंट किया है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि ऑथेंटिसिटी रहे तंदूर रेड ग्राम की ठीक है जो इस रीजन के रेड ग्राम की स्पेशलिटी है वो बनी रहे तेलंगाना में इसके बाद 16 प्रोडक्ट ऐसे हो गए हैं जिनके पास जीआई टैग है और पूरे देश में अगर हम बात करें फोर थर्टी टू अप्रूव टैग है एज ऑफ नाउ प्रेजेंट डे ये डेफिनेटली नंबर जो है वो ऊपर जाता रहेगा तंदूर रेडग्राम की एक खास बात क्या है कि इसके अंदर जो आपका सीरियल्स है सीरियल्स में जितना प्रोटीन देखते हो उससे तीन गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर रहता है अराउंड 22 से 24 परसेंट इसके अंदर प्रोटीन रहता है तंदूर रेड ग्राम के अंदर ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं तंदूर रेड ग्राम से रिलेटेड एंड एज यूजल टेन क्वेश्चन के साथ हमारा लेक्चर ये खत्म हो जाएगा अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरे टेन क्वेश्चन देखेंगे आशा करता हूँ कि सब लोगों को मजा आया होगा यार अगर मजा आया है ना तो आपको एक काम करना है कि आप वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सकता है सब्सक्राइब कर दो देखो ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलना एज ए टीचर मैं आपको एक बात बताऊँ एक टीचर कोई चुटकुले सुनाने वाला नहीं है ठीक है जैसे चुटकुले सुनाने वाले आते हैं ना कि यार सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो वैसा एज ए टीचर सब्सक्राइब कर लो बोलना अच्छा लगता नहीं है पर ये जरूरी हो जाता है ठीक है अभी देखो अभी लेक्चर्स आते हैं दो तीन दिन में आप भी कहते हो कि सर लेक्चर थोड़ा और लाओ और लाओ लेकिन मैं मेरा बस चले मैं आपको पूरा दिन लेक्चर देता रहूँ पढ़ाता रहूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अल्टीमेटली रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है तो आप अगर एक सब्सक्राइबर बेसिक क्रिएट हो जाता है ना तो उसके बाद क्या होता है कि हिम्मत आ जाती है आदमी अपने बाकी कामों को छोड़ करके फिर पूरे तरीके से इस काम में लग सकता है समझ रहे हो ये एक सिंपल भाषा में मैं आपको बात बताता हूँ तो अल्टीमेटली ये तो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है ना चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय